अभी आम चुनाव होने बाकी है, लेकिन बिहार में हॉट सीट मानी जा रही मुंगेर सीट को लेकर उम्मीदवार अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर बिहार के बाहुबली से लेकर सफेद पोशों तक की नजर है। जानकारी के अनुसार मुंगेर सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। खुद को छोटे सरकार कहलवाना पसंद करने वाले अनंत सिंह की कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर और भी तेज हो गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि 3 फरवरी को अनंत सिंह राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि रविवार को अनंत सिंह 3 फरवरी को होने वाली रैली के लिए प्रचार कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बता दें कि गांधी मैदान में महागठबंधन की विशाल रैली होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। अनंत सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर तेजी से फैल रही है। वहीं अनंत सिंह खुद अब महागठबंधन की रैली के लिए प्रचार कर रहे हैं और समर्थकों को रैली से जुड़ने के लिए अपील कर रहे हैं। पट्टा सिटी में कांग्रेस ने रोड शो किया, जिसमें कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह भी शामिल हुए। अखिलेश सिंह ने अनंत सिंह के रैली में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अनंत सिंह ने कहा कि वह राहुल गांधी की रैली में लोगों को जोड़ने के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन है, राहुल गांधी की रैली में गांधी मैदान में समर्थकों से भर जाएगा, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए हम प्रचार भी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ज्वाइन करने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं है कि वह कब कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं अखिलेश सिंह ने अनंत सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने की बात पर कहा कि यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनके कांग्रेस ज्वाइन करने पर कोई बुराई भी नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी को भी अनंत सिंह के जुड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अनंत सिंह के भाई खुद आरजेडी के विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि अनंत सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर तो तेजी से फैल रही है, लेकिन आरजेडी के बयान से इस पर संशय बना हुआ है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट बताया था और उनकी एंट्री से इनकार किया था। वही कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ना चाहती है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि आरजेडी को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अनंत सिंह 3 फरवरी को होने वाली गांधी मैदान की रैली में राहुल गांधी के समक्ष ही कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। राजेश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।